मेवात के क्रांतिकारी कॉमरेड अब्दुल हई की याद में घुड़ावली में यादगार सभा का आयोजन किया गया। आगामी दिनों में चौधरी अब्दुल हई के सपनों का मेवात और उनके विचारों की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए सभी संगठन जुड़कर काम करेंगे। उक्त फैसला चौधरी अब्दुल हई के गांव घुड़ावली में उनकी याद में हुई यादगार सभा में लिया गया। यादगार सभा का आयोजन शहीदाने सभा मेवात नागरिक मंच किसान सभा C2 ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जनवादी महिला समिति और कई सामाजिक संगठनों व ग्रामवासियों की तरफ से संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी अब्दुल हई पर सिद्दीकी अहमद मेयो द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यादगार सभा की अध्यक्षता सरफुद्दीन मेवाती ने की और प्रोग्राम का संचालन अरशद खान एडवोकेट नीमका व एडवोकेट शौकीन ने किया। इस अवसर पर अनेक समाज सेवियों किसान मजदूर संगठनों ने नेताओं ने मेवात क्षेत्र की कृषि सिंचाई तालीम रोजगार के पिछड़ेपन और देश की मौजूदा स्थिति पर गहराई से विचार विमर्श किया। यादगार सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह CPI के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप अरशद खान वकील नीमका सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड अब्दुल हई देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी लेखक और सुप्रसिद्ध बुद्धिजीवी रहे हैं। वे हमेशा गरीब किसानों मजदूरों व शोषितों के हमदर्द रहे हैं और सारा जीवन उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। कॉमरेड अब्दुल हई उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिनके नाम इतिहास में दर्ज हुआ था और वे मेवाती इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। चौधरी अब्दुल हई ने अपना पूरा जीवन जंगे आज़ादी और बाद में मेवात के पिछड़ेपन फिरका परस्ती और अंधविश्वास को दूर करने के लिए जन जागरण किया और सभी तबकों की एकता को मजबूत किया। ये कॉमरेड अब्दुल हई की यादगार सभा आज थी घुड़ावली गांव में, क्योंकि वो यहाँ के थे और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जाने माने कम्युनिस्ट नेता थे हिंदुस्तान के जाने माने अब्दुल हई साहब, और डॉक्टर KM अशरफ और सईद मुतलवी के साथ उन्होंने पूरा जीवन जो है यहाँ के इलाके को और देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन को तेज करने के लिए अपना जीवन झोंक दिया। और वो एक प्रतीक थे तमाम लोगों की एकता के, उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता, और जिस टाइम पर मुल्क का बंटवारा हुआ उस मौके के ऊपर भी उन्होंने यहाँ की एकता को टूटने नहीं दिया और उस मौके के ऊपर महात्मा गांधी को घासेड़ा में उन्होंने बुलाया था चौधरी अब्दुल हई ने। तो आज जो हालात जिस तरीके के हैं उसमें हम यहाँ के किसान मजदूरों के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एकता बना के, और ये जो ताकतें हैं जो भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं सांप्रदायिकता के फिरका परस्ती के आधार पे, उन ताकतों को मुकाबला करना पड़ेगा। और जो रोजी रोटी के सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, पिछड़ा हुआ इलाका पूरा, यहाँ पे पानी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ तालीम की व्यवस्था से नहीं है, तो इस पूरे इलाके को, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, मेवात के पूरे इलाके में इन चीज़ों का हक मिले लोगों को, इसके लिए संघर्ष को तेज करने की ज़रूरत है। तो ये संदेश आज यादगार सभा में उनके उभर के आया। तो इस यहाँ पे कई तरह के किसान संगठन भी आए, मजदूर संगठन, महिला संगठन भी, गांव के लोग भी, इलाके के लोग भी आए हैं। तो ये वो लोग हैं जो सब अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है वो सिंघू बॉर्डर से और टीकरी और पलवल बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हैं साथी धरनों के ऊपर, वो भी यहाँ पर आए थे, तो वो आगे इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पे आज के कार्यक्रम से बल मिलेगा किसान आंदोलन। और हम यासीन कॉलेज में पुलिस दमन के खिलाफ एक भारी बड़ी जनसभा थी, उससे पहले गुड़गांव की जो मेन मस्जिद है सोना चौक के ऊपर, उस टाइम DSP होता था मिस्टर मुरारी, कृष्ण मुरारी, उसमें रात के समय कुछ मुसाफिर मस्जिद में रुके थे, अफवाह फैला दी गई, जबकि मौलवी साहब ने पूरा रिकॉर्ड दे दिया कौन मुसाफिर यहां रुका हुआ है, कहां का है, क्या नाम है। उसके बावजूद रात के 4 बजे कड़कती ठंड में उभरे पर थाने तक पैदल लेके गया था। हमने सभी संगठनों इकट्ठा करके मस्जिद के सामने बड़ी जनसभा की, और उसके बाद मेवात में
यासीन कॉलेज में जनसभा की थी, जिसमें मात्र हिंदुस्तान की दंगे आजादी में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं हाथी से आता हूं जिसका नाम कॉमरेड इंद्रजीत कुरिया। मैं एक मिल में वर्कर था, हालांकि किसान में किसान के घर में पैदा हुआ। लाला कंचन जैन मिर्जा मुनीर बेग आज भी हाथी की लाल सड़क है।